वीडियो लेक्चर के इस भाग में आज हम कक्षा 10वीं की ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान की व्याख्या करेंगे। कविता की व्याख्या से पहले कवि ऋतुराज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋतुराज जी का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर हुआ था और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर में अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की, यानी इनकी जो शिक्षा है वह अंग्रेजी की है। और इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में भी काम किया है। ऋतुराज के कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए जिसमें पुल पानी में, एक मण धर्मा और अन्य कविताएं, सूरत निरत और लीला अरविंद प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित इन्होंने किया गया, जिनमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया, इसी वजह से इनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी एक आम समाज के अंदर जो बातें, जिस प्रकार की भाषा शैली इस्तेमाल की जाती है, वैसी भाषा शैली इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर प्रयोग की है। इस कविता के बारे में, ये कविता जिसका नाम कन्यादान है, ये माँ और बेटी के बीच में होने वाली वार्ता का वर्णन है। यानी जब एक बेटी की शादी होती है तो वो विदा होने से पहले एक माँ अपनी बेटी को किस प्रकार से समझाने का प्रयास करती है और उसके दुख को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी उम्र की उसकी जमा पूंजी उसके पास से दूर चली जा रही है। क्योंकि माँ और एक पुत्री का जो रिश्ता बड़ा विशेष होता है और उसका पुत्री के जो मोह है उससे वो भयभीत भी रहता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, शादी के बाद कुछ परेशानी ना हो, कोई अत्याचार उसके ऊपर न हो, इस प्रकार की चिंता एक माँ को हमेशा रहती है। कि इसलिए वो अपनी बेटी को जो समाज के अंदर जो भले बुरे चीजें हैं, उन सब गृहस्थी की जो सारी चीजें हैं उनके बारे में समझाने का प्रयास करती है। गृहस्थी में जो आने वाले दुख हैं वो अभी तक उसने देखे नहीं है, लेकिन उसका उसे आभास भी नहीं है, लेकिन उसके बारे में उसको समझाने का प्रयास करती है उसकी माँ, उसको अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करती है। क्योंकि उसने अभी तक खुशियां देखी हैं और शादी जब उसकी हो रही है तो उसने एक अपने खुशियों के सपने सजाए हैं, लेकिन इस दायित्व के बाद कुछ गृहस्थी के रूप में कुछ दुख भी आ सकते हैं, उनके लिए वो उसको मानसिक रूप से तैयार कर रही है। यहाँ पर जब लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह लाड़ प्यार दुलार से पाला जाता है, लेकिन और वो हमेशा बच्ची ही बनी रहती है, इस प्रकार से एक मानसिकता माँ बाप की होती है। लेकिन जब वो शादी के समय उसको ऐसा लगने लगता है कि ये लड़की बड़ी हो गई है और माँ उसे सही गलत के अंदर जो फर्क है उसको समझाने लग जाती है। तो आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं। ऋतुराज कहते हैं कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहते हैं कि एक माँ के लिए जब वो अपनी बेटी का दान यानी कन्या दान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उसका जो दुख है बहुत सच्चा है। प्रमाणिक मतलब सच्चा है, उसका दुख बहुत सच्चा है जब वो अपनी लड़की को शादी कर रही है या कन्यादान कर रही है या एक पुरुष के हाथ में उसका हाथ सौंप रही है, और उस समय ऐसा उसे लगता है जैसे वो उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे एक व्यक्ति अपनी अंतिम पूंजी भी किसी को सौंप देता है, उसी प्रकार से एक माँ अपनी बेटी का हाथ किसी उसके पति के रूप हाथ में दे रही है, तो उस समय उसका दुख उस बहुत सच्चा है।
लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कहते कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो संसार के सभी चीजों को, समाज के सभी अच्छाई बुराई को परख सके, क्योंकि वो अभी इतनी भोली और सरल थी, यानी वो एक बच्ची थी लेकिन वो भोली थी और सरल थी, वो इसलिए उसको समाज के बारे की जो असलियत है, समाज में जो भी अच्छाइयां बुराइयां हैं उनके बारे में ज्यादा उसको पता नहीं था, क्योंकि अभी उसकी उम्र इतनी सयानी नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सब चीजों को परख सके, क्योंकि वो मानसिक रूप से बड़ी भोली थी और सरल व्यक्तित्व की थी। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कहते हैं कि वो अभी तक जिस प्रकार की परिस्थितियों में पली थी तो उसे सुख का आभास तो होता था, यानी उसको सुख के बारे में तो पता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता, बांचना यानी पढ़ना, यानी उन सुखों के अंदर जो दुख है वो बांचना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। कवि यहां समझाना चाह रहे हैं एक किस्म से कि वह कुछ धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। धुंधले प्रकाश की पाठिका यानी एक ऐसी परिस्थिति कि कुछ चीजें समझ में आई धुंधले प्रकाश में, जैसे हमको कुछ सब कुछ स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता, इसी प्रकार से उसकी भी स्थिति थी लड़की की कि उसे कुछ सुख तो उसको दिखाई देता था लेकिन उन सुखों के अंदर से दुख वो बांचना यानी पढ़ना वो नहीं आता था। वह पाठिका थी कुछ तुकों कुछ लयबंद पंक्तियों की, जिस प्रकार से हम कविताएं पढ़ते हैं कुछ तुक पढ़ लेते हैं कुछ लयबंद पंक्तियां पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हम उस कविता के भीतर छुपे भावार्थ को सही सही समझ पाते। कुछ वैसी स्थिति यहाँ पर उस छोटी लड़की की थी। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेजना। और जब एक बेटी को विदा करती हैं माँ तो उसको बहुत सारी जो दुनियादारी की बातें उसको समझाती हैं। वो कहते हैं कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेजना, क्योंकि उसकी अभी शादी हुई है, वो बड़ी सुंदर है और लोग भी उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके ससुराल वाले भी उसकी प्रशंसा करेंगे उसकी सुंदरता की, लेकिन उसकी माँ उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बना रही है। वो कहती है कि अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी अपने सौंदर्य के ऊपर ही अहंकार मत कर लेना। आग रोटियां सेकने के लिए जलने के नहीं। साथ साथ वो उसको समाज के अंदर जिस प्रकार की उन दिनों दहेज प्रथा के लिए बहुत सारी लड़कियों को जला के मार दिया जाता था या वो आत्महत्या कर लेती थी, तो उस स्थिति को भी यहाँ पर इंगित किया गया है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, गृहस्थी चलाने के लिए है और वो जलने के लिए नहीं है। यहाँ पर भी उसको सांसारिकता के बारे में बताया जा रहा है। आगे माँ कहती कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और इन दोनों लाइनों में आप देखेंगे कि वो माँ कहती है उसकी, और उस माँ का ये पूरी जिंदगी का एक निचोड़ है जो भी उसने महसूस किया है, क्योंकि वो माँ ने भी गृहस्थी चलाई है और एक वैवाहिक जीवन के बाद इतने सालों के बाद जब वो अपनी बेटी को विदा कर रही है तो वो सारा का सारा जो उसका भी एक पूरा एक्सपीरियंस है जिंदगी की पूरी लाइफ का, उसके बारे में बताया है कि वस्त्र और आभूषण, जो कपड़े और आभूषण सोने चांदी के जो आभूषण हैं, वो स्त्री जीवन के लिए बंधन की तरह है, यानी वो खुशी तो देते हैं लेकिन साथ साथ इसमें एक बंधन भी होते हैं। जिस प्रकार से शादी के अंदर जो लड़के वाले हैं और वो भी इस प्रकार के वस्त्र और आभूषण वधू के लिए लेके आते हैं, लेकिन उन वो सारी चीजें खुशी तो देती हैं लेकिन साथ साथ गृहस्थी की जिम्मेदारियां का बोझ भी उनके साथ में आता है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। और ये जो दोनों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं,
इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसमें कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ कहती है कि लड़की होना मतलब यहाँ पर यानी एक लड़की के अंदर जो एक स्त्री के अंदर जो गुण होने चाहिए, जो सौम्यता होनी चाहिए, जो सुंदरता होनी चाहिए, जो एक वाणी के अंदर मिठास होनी चाहिए, एक ममता होनी चाहिए, एक त्याग की भावना होनी चाहिए, यानी वो सब चीज बोला कि ये सब चीजें तो आपके अंदर होनी चाहिए। वो अपनी बेटी को कह रही है पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है इसका लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की जैसी दिखाई मतलब कि कमजोर मत दिखाई देना, यानी आपके जो एक स्त्री के जो गुण हैं, एक लड़की के जो गुण हैं, सौंदर्य है, मीठा बोलना है, घर गृहस्थी का कार्य करना है, और जितने भी एक ममता है, ये सारी चीजें तो रखना, जिम्मेदारी का एहसास, यानी ये सारी चीजें तो लड़की को होनी चाहिए। लेकिन इन सभी गुणों के कारण आपके अंदर कमजोरी नहीं आनी चाहिए, आप लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये कविता थी जिसका आपने व्याख्या सुनी ऋतुराज जी की। आशा है आपको समझ में आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।